श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 9वां अध्याय 18वां ययाति चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीर धारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, अयाति, व्यति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव पेच और प्रबंधन आदि के भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानव राज वृषपर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरु पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उनमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुँचने पर उन सुंदर कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितनी अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देशन किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृंगुवंशी हैं और उसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उस तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांसें लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरु पुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसीलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसीलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ, यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया, इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो ना था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खिंच रहा है, इसीलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर ययाति जब चले गए, तब देवयानी
रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ कि उनके मन में यह शंका हुई कि गुरु जी कहीं शत्रुओं की जीत ना करा दें अथवा मुझे शाप ना दे दें, अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति ना होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कहा, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी ना आने देना। परीक्षित, कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देख एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्मसंगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना है हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रा, अनु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा है, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना ना सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है, जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को करूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इसी प्रकार त्रवसु, द्रुहा और अनु ने भी अपने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम ही नहीं था, वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है, वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है, ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं, जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है, और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसे तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे, पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे, उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यच्छेद उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी, वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी।
राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उसका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति को भोगों से तृप्ति ना हो सकी। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 9वां अध्याय 18वां समाप्त।